हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप ट्रेडिंग करने के लिए धन ऐप में अकाउंट कैसे बनाओगे। तो धन ऐप में अकाउंट बनाने के लिए आप पहले गूगल प्ले स्टोर से धन ऐप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लेने के बाद आपके मोबाइल में धन ऐप ओपन कर लो। ओपन कर लेने के बाद ऐसा इंटरफेस रहेगा, यहाँ पर दिखा रहा है देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी मतलब जो पोर्टफोलियो हो वो यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। ये सब छोड़कर धन ऐप में और भी बहुत सारा फ़ायदा है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो पहले वहां पर आपकी मोबाइल नंबर डाल दो। डाल देने के बाद आपके मोबाइल नंबर में ऐसे OTP आ जाएगा, तो आप OTP डाल दो। डाल देने के बाद नीचे जो ग्रीन बटन प्रोसीड अहेड है उसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपकी मेल देने की ऑप्शन आएगी, तो यहाँ पर आपकी मेल टाइप कर लो। मेल टाइप कर लेने के बाद फिर से नीचे जो प्रोसीड अहेड बोलकर दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो मैं कर लेता हूँ। कर लेने के बाद ऊपर क्लिक करते ही आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगी, तो आप जो ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में ओपन कर लो। यहाँ पर इनबॉक्स में अगर वो मेल नहीं आया तो आप स्पैम में चेक कर सकते हो। वहाँ पर देखो धन आईडी से एक OTP आया, यहाँ पर OTP में देख लो और नीचे ग्रीन कलर में एक रहेगी क्लिक टू वेरीफाई ईमेल, आप वहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो वेरीफाई ईमेल, और वहाँ से आप OTP देखकर यहाँ पर टाइप कर दो। इस तरह से भी आप ईमेल को वेरीफाई कर सकते हो। कर देने के बाद यहाँ पर बोलेगी एंटर एंड सेट पिन, आपको एक पिन नंबर मतलब वो नंबर में होगा 6 डिजिट का होगा, पिन नंबर सेट करना होगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। जब भी आप ओपन करोगे धन ऐप्स तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको मांगेगी। उसके बाद बोलेगा कि सेटअप फेस आईडी फॉर धन, मतलब आप आपकी फेस आईडी से धन ऐप ओपन कर सकते हो। वो मैं अभी स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ, क्योंकि फेस आईडी को छोड़कर मैं फिंगरप्रिंट लॉक भी ऑन कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वो स्किप कर देने के बाद फिनिश KYC एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बोलकर जो ऑप्शन आ रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी KYC प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही पहला ऑप्शन आ रहा है एंटर पैन, यहाँ पर आपकी जो पैन कार्ड आईडी है वो यहाँ पर डाल देना है, और नीचे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद नीचे टिक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड अहेड कर दो। उसके बाद देखो आपकी जो पैन आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगी, छवि ऊपर में आ जाएगी, और यहाँ पर एंटर फास्ट नेम, इस ऑप्शन में आपकी जो नेम है पैन कार्ड में वो लिखना है, और मिडिल नेम में अगर आपकी कुछ मिडिल नेम जैसे होता है वो लिख लेना है, कुमार वगैरह ये सब रहता है, और लास्ट नेम में आपकी जो सार नेम है वो यहाँ पर लिख लेना है, मतलब आपकी जो टाइटल है। तो लिख लेने के बाद फिर से प्रोसीड अहेड करना है। अगर आप यहाँ पर सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन डालोगे तो यहाँ पर शो होगा योर डिटेल्स हैव बीन वेरीफाइड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाया योर पैन कार्ड। अब आपको नीचे येस दैट्स करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते अब आपको डिजी लॉकर के थ्रू आधार आईडी वेरीफिकेशन करना है, तो यहाँ पर वेरीफाई विद डिजी लॉकर ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर टिक बॉक्स पे टिक होना चाहिए, उसके ऊपर वेरीफाई विद डिजी लॉकर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर आपकी 16 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। डाल देने के बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वेरीफाइड मतलब आपकी आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर डाल देने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते थोड़ा लोडिंग लेगा और उसके बाद नया पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपकी डिजी लॉकर आईडी ओपन करते वक्त जो सिक्योरिटी पिन दिया है वो डालना पड़ेगा। अगर आप सही पिन नहीं डालोगे तो यहाँ पर इनकरेक्ट पिन दिखाएगा। अगर आपको पिन याद नहीं है तो फॉरगॉट माय पिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पिन डाल के डन कर दिया। डन कर देने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, ऐसा पेज आएगा जहाँ पर आपको आधार कार्ड ये सब टिक रहेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये टिक है, क्योंकि ये दोनों से मैं इसको वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी करवा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो नीचे डेनी और अलाउ दो ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अलाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिजी लॉकर इस धन ऐप को दे रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और किस पर्पज़ के लिए दे रहा है, नो योर कस्टमर मतलब KYC प्रोसेस के लिए दे रहा है यही बोल रहा है। तो यहाँ पर नीचे अलाउ बटन है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद देखो यहाँ पर शो होगा सक्सेस। तो यहाँ पर देखो दिस टेक्स लेस देन 16 सेकेंड्स बोलकर शो हो रहा है। यहाँ पर फुल नेम आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी पैन के अनुसार, और यहाँ पर जेंडर फीमेल मेल और अदर ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा हो कि नहीं,
तो सिंगल हो तो सिंगल सिलेक्ट कर दो, और उसके बाद नीचे फादर्स नेम, फादर्स नेम सिलेक्ट कर देने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब भी जाओगे तो यहाँ पर सेल्फी वेरिफिकेशन होगा, तो प्रोसीड टू टेक ए सेल्फी, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर व्हाइल यूजिंग द ऐप इसके ऊपर क्लिक करने, उसके बाद आपकी फेस की एक अच्छी तरीके से सेल्फी उठा लेना है और एक बार आँख को बंद करना है, क्योंकि तब इसको पता चलेगा कि ये एक मतलब जिंदा इंसान है। तो यहाँ पर एक अच्छे एंगल से एकदम क्लियर एक फ़ोटो आपको ले लेना है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब वेरिफिकेशन की नेक्स्ट स्टेप में आपको सिग्नेचर करना होगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपकी फिंगर से सिग्नेचर करना होगा, और यहाँ पर बोल रहा है सिग्नेचर एज ऑन पैन, मतलब आपकी पैन कार्ड में जैसा सिग्नेचर है वैसा सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर नीचे दिखा रहा है देखो, साइन इन एग्जैक्टली सेम एज ऑन योर पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड में जैसा सिग्नेचर है वैसा करना है और आपकी फिंगर से करना है, और अगर इफ़ नॉट डन प्रॉपरली, अगर प्रॉपर साइन नहीं हुआ तो उस साइन को मिटाकर दोबारा फिर से अच्छे तरीके से आपको साइन करना है। तो नीचे देखो साइन ऑन फोन स्क्रीन बोलकर जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी मोबाइल वर्टिकल मोड में हो जाएगी, और वर्टिकल मोड में हो जाने के बाद आपको अच्छी तरीके से सिग्नेचर कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखो एक ब्लैंक पेज आ जाएगी, यहाँ पर आपको आपकी सिग्नेचर कर लेना है। एक बार अगर साइन नहीं हुआ तो उसको फिर से मिटाकर आप अच्छे तरीके से सिग्नेचर कर दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम मांगेगी, तो यहाँ पर मैं 1 लाख के नीचे सिलेक्ट कर लिया, और नीचे प्रोफेशन आप क्या करते हो, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ ये सिलेक्ट कर लिया, जिसका जो है वो उस हिसाब से दे देना। नीचे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मांग रहा है 1 to 5 years, लेस देन 5 years नील, तो अगर आप ट्रेडिंग में एकदम नए हो तो नील सिलेक्ट कर लो, अगर आपकी 1 से 5 साल के अंदर एक्सपीरियंस है तो आप 1 to 5 years सिलेक्ट कर लो पहला ऑप्शन, और लेस देन 5 years भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे देखो कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशंस, वहाँ पर आपको क्या करना है, आदर्श ऑप्शन सिलेक्ट रहने दो, और नीचे देखो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट बोलकर एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली नीचे आ जाओ, और नीचे जो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस बोलकर जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आपको जाना है। उस ऑप्शन पे जाके एरो बटन के ऊपर क्लिक करते ही देखो कुछ ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर बोलेगा कि आप इंडियन हो तो इंडिया में टैक्स पे करते हो, तो ये सब पूछेगा, ये सारा चीज़ ऑन रहने दो, आप इंडियन हो इंडिया में टैक्स पे करते हो और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, सारा ऑप्शन ऑन रहने दो। और नीचे देखो ट्रेडिंग प्रेफरेंस, कैश म्यूचुअल फंड फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी कमोडिटी, यहाँ पर भी सारा के सारा ऑप्शन मैं ऑन रखता हूँ, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना चाहते हो तो उसको आप बंद कर सकते हो, तो मैं सारा के सारा ऑन रखता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन नहीं होगा। तो देखो उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया, और कर देने के बाद यहाँ पर देखो एक मतलब आपको क्या कर रहा है, यहाँ से जो NSE की तरफ से जो एक मैसेज है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ये आपको थोड़ा पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि 10 में से 9 लोगों को ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो नीचे देखो ये सब पढ़ लो, पढ़ लेने के बाद नीचे प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करते देखो ऐसा पेज खुल जाएगी, यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, यहाँ पर आपको बोलेगा कि 6 मंथ मतलब 6 महीना की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर ऑन किया ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO बोलकर जो ऑप्शन थे ना वो ऑन किए थे, इसलिए यहाँ पर 6 महीना की मतलब बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, कॉल पुट CP में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको 6 महीना की बैंक स्टेटमेंट या फिर आप जिस फार्म में काम करते हो वहाँ का सैलरी स्लिप, जहाँ पर क्या कि वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें 10,000 के ट्रांजेक्शन होना चाहिए, या फिर आपकी IT फाइल या फिर डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट लास्ट मंथ की, ये आपको अपलोड करना होगा, ये चारों में से किसी एक को अपलोड करना होगा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर नीट ओथ सर्टिफिकेट मतलब आपकी कितना संपत्ति है एसेट है, ये किसी एक चीज़ आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखो बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड करोगे तो 6 महीने की अपलोड करना होगा, और यहाँ पर देखो आप धन को अलाउ एक्सेस कर दो अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हो, और वो बैंक स्टेटमेंट एकदम वेरीफाइड मतलब बैंक की तरफ से होना चाहिए, और वहाँ पे एटलीस्ट 10,000 की ट्रांजेक्शन होना चाहिए, 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन होना चाहिए,
ठीक है, एटलीस्ट वन ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर होना चाहिए तब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं वहाँ पर स्किप कर दिया क्योंकि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी ऑन नहीं करूँगा। कर लेने के बाद यहाँ पर देखो प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन बोलकर ऑप्शन आएगी। प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी मोबाइल में जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो ऐप है किसी भी एक ऐप को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको 1 रुपीस मतलब 1 टका पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आप उस ऐप से इस ऐप को मतलब धन में 1 रुपीस पेमेंट कर दो। कर देने के बाद आपकी बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी और आपकी मोबाइल में ऊपर में SMS भी आ जाएगी। तो जैसे देखो मैंने पेमेंट कर दिया और यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट इज़ वेरीफाइड मैसेज भी आ गया। नीचे आपकी बैंक अकाउंट नंबर शो होगा, वो आप चेक कर सकते हो। और नीचे प्रोसीड एहेड इस ऑप्शन के ऊपर अब आपको क्लिक करना है। प्रोसीड एहेड इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे देखो ऑप्शन आएगी ई साइन विथ आधार। तो यहाँ पर आपकी आधार के थ्रू यहाँ पर आपकी डीमैट अकाउंट ओपन होने का जो फॉर्म है वो आ जाएगी। लेकिन उस फॉर्म में अब आपको इलेक्ट्रॉनिक साइन करना होगा, मतलब आप फिजिकल जाकर तो साइन नहीं कर सकते हो, ये आप ऑनलाइन में कर रहे हो तो इसलिए ई साइन करना होता है। तो ई साइन आधार के थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरा फॉर्म आप चेक कर लो ऊपर से नीचे तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। और नीचे टिक बॉक्स के ऊपर अब आपको क्लिक कर देना है। आप मतलब ये बोल रहे हो कि सब कुछ आप चेक कर लिया, कर लेने के बाद प्रोसीड अहेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो मैंने सब कुछ चेक कर लिया और नीचे देखो एक बॉक्स है उसके वहाँ पर आप ग्रीन टिक लगा दो। अगर सब कुछ आप चेक कर लिया, आपकी सिग्नेचर फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो होगा। टिक करने के बाद नीचे प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करते ही देखो थोड़ा लोडिंग लेगा और उसके बाद ऐसा पेज आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह आपकी फ़ोटो वगैरह नेम वगैरह शो होगा, मतलब वो जो फॉर्म है वो साइन के साथ यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर ऊपर में देखो दोनों पर्सन की एक लोगो दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आपकी सिग्नेचर एक्टिव नॉट साइंड ये बोलकर जो ऑप्शन आएगा वो चेक कर सकते हो। और राइट साइड में डाउनलोड बटन है, डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके आप इस फॉर्म को पूरा आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बगल में जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेज चेंज का, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। मतलब आप बंगाली में देखना चाहते हो या आपकी हिंदी में आपकी जो मदर टंग है। तो यहाँ पर नीचे आप देखो प्रोसीड ऑप्शन है, अब प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पर बोल रहा है नेम इन साइन डॉक्यूमेंट, मतलब नेम इन साइन डॉक्यूमेंट, साइन डॉक्यूमेंट में क्या नाम है। रिडायरेक्शन फॉर अदर ऑथेंटिकेशन, तो आपकी मतलब वेरीफाइड आधार नंबर पे एक OTP चल जाएगा। तो यहाँ पर आई एग्री दैट बोलकर टिक लगा के आपको फिर से प्रोसीड कर देना है। और यहाँ पर प्रोटीन जो आधार की एक साइट है यहाँ पर वो पेज आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में टिक लगा देना है, मतलब आप कंफर्म कर रहे हो, आप परमिशन दे रहे हो इसको, मतलब इसको वेरिफिकेशन करने के लिए। तो उसको टिक लगा देना है। टिक लगा देने के बाद नीचे VID आधार बोलकर एक राइट में बॉक्स है, वहाँ पर आपकी जो आधार ID है वो वहाँ पर आपको लिखना है। आपका आधार नंबर जो है 16 डिजिट का वो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। कर लेने के बाद सेंड OTP बोलकर जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको आपकी आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर में एक OTP आ जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। कर लेने के बाद नीचे ब्लू कलर में वेरीफाई OTP बोलकर एक ऑप्शन शो हो रहा है, वो वेरीफाई OTP बोलकर जो ऑप्शन शो हो रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही थोड़ा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद देखो डॉक्यूमेंट साइंड बोलकर टिक मार्क आ जाएगी। तो यहाँ पर शो होगा द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन साइंड सक्सेसफुली, तो ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और शो होगा ई साइन सक्सेसफुली हो गया। और उसके बाद आपको सेट पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर लो आपकी धन अकाउंट ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेता हूँ धन ID ओपन करने के लिए। एक पासवर्ड आप सेट कर लो, एकदम पासवर्ड यूनिक होना चाहिए, मतलब पासवर्ड में क्या एक कैपिटल में वर्ड भी होना चाहिए, स्मॉल में वर्ड भी होना चाहिए, उसके बाद एक लोगो और उसके बाद नंबर भी होना चाहिए। कर देने के बाद देखो यहाँ पर ऐसा पेज आ जाएगी जहाँ पर बोल रहा है वेल डन और उसके बाद नोटिफाई मी वंस रेडी टू ट्रेड,
मतलब धन आपको नोटिफाई कर देगा कब आप ट्रेड कर सकते हो इस ऐप में। तो यहाँ पर देखो आपकी जो एप्लीकेशन वो चला गया वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट ई साइन सक्सेसफुली इस ऑप्शन में टिक पड़ गया। अब KYC वेरिफिकेशन बाय धन, अब जो आप KYC किया है वो धन से वेरिफिकेशन होगा। धन से अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए KYC बाय KRA CVL KRA इसके पास भेजेगा। वहाँ से अगर आपकी मतलब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेगा KRA के पास। तो KRA से जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप एक्सचेंज के पास जाएगा, एक्सचेंज जब भी वैलिड कर देगा तो आप यहाँ से धन ऐप से अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, कोई एकदम बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको देखते रहना है कि कितना स्टेप आपकी कंप्लीट होते जा रहा है। तो आप अगर सब कुछ अच्छे तरीके से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब आपकी एकदम ठीक ठाक जाएगी और आपकी धन में ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एक्सप्लोर धन के ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करके देखो यहाँ पर बोल रहा है यू विल यूज़ धन पर, आप धन किसके लिए यूज़ करोगे, ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए। तो मैं बोथ के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद ट्रेड डायरेक्टली फ्रॉम चार्ट्स बोल रहा है, मतलब धन ऐप का ये फीचर्स है, आप जो चार्ट है चार्ट के वहाँ से डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन चेन देखने की सुविधा है, ये सब बोल रहा है। तो आपको सिंपली नीचे शो मोर ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही देखो फिर कुछ पेज आएगा और नीचे देखो दिस इज़ ग्रेट बोलकर ऑप्शन आएगा और एक्सप्लोर ऐप बोलकर ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही देखो धन ऐप ओपन हो जाएगी। यहाँ पर धन ऐप की इंटरफेस ऐसा रहेगी। ऊपर में देखो लेफ्ट साइड में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड प्रोसेस टू ई साइन। तो ई साइन के लिए ये प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर पूरा के पूरा जो स्टेप है वो यहाँ पर शो करेगी। जब भी सारे के सारे स्टेप में आपकी ग्रीन टिक लग जाएगी तब आप समझोगे कि आपकी धन अकाउंट एकदम सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया, अब आप ट्रेड ले सकते हो, आपकी ईमेल पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैं वीडियो को कट कर दिया और यहाँ पर देखो मेरा धन में ID वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो गई। अब मैं धन ऐप को ओपन करके जब भी ऊपर में लेफ्ट साइड में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब वो वेरीफिकेशन वाला मैसेज नहीं आ रहा है, अब मैसेज आ रहा है एड मनी का। और नीचे देखो कंग्रेचुलेशंस यू आर सेट टू ट्रेड बोल रहा है, अब आपकी आईडी रेडी है ट्रेड करने के लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां से मनी ऐड करना है, करके आपको ट्रेड लेना है, ट्रेडिंग करना है। तो यहां पर ये सब कैसे करोगे वो मैं आगे जाके इस चैनल में बताऊँगा, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस तरह से आप धन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो। और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो और मेरी दिए हुआ लिंक से भी आप धन में आपकी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।